हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अजय, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल कला से यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 10 नवंबर करंट अफेयर वीडियो को मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स जीके के साथ। तो फटाफट इस वीडियो को जो है आप लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बेल आइकन के साथ, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मिलेगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से सभी प्रकार की PDF आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो कुछ लंबा जरूर हो सकता है, पर हम इस वीडियो हम देखेंगे करंट अफेयर के साथ 10 स्टेटिस्टिक्स जीके के क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर 604 नंबर वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर एक है, भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो किस परियोजना का जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, तो वो चुना गया नमामि गंगे परियोजना का। जो चाचा चौधरी जो है कॉमिक्स के हीरो हैं, ये पुरानी जो कॉमिक्स थी उसके जो हीरो है चाचा चौधरी, उनको जो है नमामि गंगे जो परियोजना है उसका जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। मशहूर भारतीय सुपर हीरो है चाचा चौधरी, जिनका दिमाग क्या कंप्यूटर से भी तेज चलता, और उन्होंने अब नमामि गंगे परियोजना के साथ हाथ मिलाया। और नमामि गंगे परियोजना ये केंद्र सरकार की योजना है, और जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत राष्ट्रीय नदी गंगा का प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प करने के उद्देश्य से इसका शुरू किए गए थे। फटाफट रिवीजन देखेंगे लास्ट डे के क्वेश्चन एक के साथ। रिवीजन के लिए हम देखेंगे क्वेश्चन एक, राज्य में मास्क को अनिवार्य करने को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान, जिसने जो है मास्क को अनिवार्य कर दिया। अगर इसके जो है मास्क नहीं लगाता तो उस पर क्या है 200 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर बार बार करता है यही अपराध, उसे क्या है 2 साल की सजा भी हो सकती है, ऐसा इसमें प्रावधान किया है। दो नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में भारत पाक की सीमाओं के पास किस क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूअल एनर्जी पार्क स्थापित किया गया है? तो वो किया गया सॉरी वो किया गया 8000 जो मेगावाट है इसका जो है प्लांट है वो स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा से संचालन चलने वाली देश की पहली लघु ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो की गई है केरल में। ये क्या है, इसके अंदर जो है 2 बोगी होंगी, कितनी बोगी होंगी 2, और जो पटरी है वो है 2.5 किलोमीटर लंबी, जिसमें जो है सभी सुविधाएं दी गई, और इसमें एक साथ जो है 45 यात्री यात्रा कर सकते हैं। 2020 से लेकर 2023 की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया, ड्यू आटे पोचाको को। और इस जो है अंतर संसदीय जो संघ है इसके में पार्टिसिपेट किया था ओम बिरला ने। ओम बिरला ने, ओम बिरला कहाँ से है? वो है राजस्थान से, राजस्थान कोटा से वो संबंधित है। ओपन एरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी बने, कौन बने? वो बने राफेल नडाल। 28वें एजुथन पुरस्कार जो कि केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, वो किससे सम्मानित किया गया उसे? तो वो किया गया पॉल जोरिया को, पॉल जोचरिया है उनको जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी को भारतीय एक्सा के साधारण बीमा कारोबार में अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो वो दिए आईसीआईसी लोमार्ड को। किसे दिए? आईसीआईसी लोमार्ड को। आगे शुरू करेंगे क्वेश्चन दो के साथ, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया, वो चुना गया ज्ञानेंद्रो निंगबो को। जो ज्ञानेंद्र है उनको जो है नए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध जो है निर्वाचित किया गया है। मणिपुर के हैं ये ज्ञानेंद्रो निगोबम, उनको हाल ही में निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया, जो मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। इनसे पहले कौन थे? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। अहमद को राष्ट्रीय खेल संहिता के कार्यकाल के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण खेल मंत्रालय ने इस्तीफा देने को कहा था अहमद को। हालांकि ये हॉकी इंडिया की कांग्रेस और चुनाव में निर्विरोध वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया है। निगोबम हॉकी इंडिया के पद पर काबिज होने वाले पूर्वोत्तर के जो है पहले सदस्य हैं। इससे पहले जो है पूर्वोत्तर के किसी ने इस पद पर नहीं आए हैं। अहमद को जुलाई में निजी और पारिवारिक कारणों से इस्तीफा देने के बाद से ये कार्यवाहक अध्यक्ष भी थे। ये इससे पहले क्या कार्यवाहक अध्यक्ष थे, और अब उनको जो है परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया है। फटाफट
फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया था, फटाफट इस वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, विश्व रेडियोलॉजी दिवस, वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 8 नवंबर को। प्रतिवर्ष 8 नवंबर को जो है विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। ये दिन रेडियोलॉजी के उस मूल्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान करता है और स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर के सार्वजनिक समझ में निरंतर सुधार करता है। विश्व रेडियोलॉजी दिवस पहली बार कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 2012 से। इसे पहली बार मनाया गया था 2012 के अंदर। हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का नया मुख्य जो है सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया? तो किस बैंक का जो किया गया, वो किया गया है एचडीएफसी बैंक। जो एचडीएफसी बैंक है उसका जो है उन्हें मुख्य सूचना अधिकारी यानी सीआईओ नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति पहले के सीआईओ मुनीस मित्तल के इस्तीफे के करीब 4 महीने बाद हुई है। यह बैंक के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजमेंटिंग डायरेक्टर शशिधर जगदीशन के अंडर उसके द्वारा घोषणा की गई पहली बड़ी नियुक्ति भी है। लक्ष्मी नारायण ने रेटिंग एजेंसी क्रिंसल से ज्वाइन किया और जहाँ से वे चीफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन के पद पर काम कर रहे थे। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 7 नवंबर को। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 7 नवंबर को जो है कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है ताकि जानलेवा बीमारियों से लड़ने के लिए शुरुआती कैंसर का पता लगाने की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। कैंसर भारत सहित दुनिया में भर में जीर्ण और गैर संचारी रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होने वाली बीमारियों मृत्यु के कारणों में से एक है। WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है और वर्ष 2018 में विश्व स्तर पर 18 मिलियन मामले कैंसर से संबंधित है जिनमें 1.5 मिलियन मामले अकेले क्या है, भारत से हैं। 18 से 1.5 अकेले भारत के अंदर ये जो मामले हैं। आज का जो सवाल है वो देखेंगे आपके लिए और फटाफट आप जो है आंसर देंगे कमेंट के द्वारा। सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम अगले वीडियो के अंदर शेयर किए जाएंगे। क्वेश्चन क्या आज का आपके लिए वो देख लेते हैं कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद यानी ESSCI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में? ऑप्शन आपके लिए अमृतलाल मनवानी, राजू गोयल, अमूल्य महापात्र, PVG मेनन। फटाफट अपने जो आंसर है वो देंगे नीचे कमेंट के द्वारा और आंसर देने वाले सही विजेताओं के नाम अगले वीडियो के अंदर शेयर किए जाएंगे। क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में क्या है शीर्ष स्थान हासिल किया? तो किसने किया, वो किया तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने जो है ये स्थान हासिल किया और कुल मिलाकर तमिलनाडु सरकार ने विभिन्न श्रेणियों में क्या 7 पुरस्कार जीते हैं। पुरस्कार समारोह वस्तुतः 11 और 12 नवंबर को उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में होगा। यह 2 दिवसीय समारोह के रूप में होना है। PWD सचिव के मन निवासन तमिलनाडु सरकार की ओर से राष्ट्रीय जल पुरस्कार क्या प्राप्त करेंगे? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर चार चार पहियों वाले सभी वाहनों के लिए किस तारीख से फास्टैग अनिवार्य कर दिया? जो फोर व्हीलर है उनके लिए जो है किस तारीख से जो है फास्टैग अनिवार्य कर दिया है वो आपको बताना है। तो वह 1 जनवरी 2021 से यानी अगले नए वर्ष से जो है फास्टैग अनिवार्य होगा सभी फोर व्हीलर के लिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जो है इसकी अधिसूचना जारी कर दी और इसमें क्या है 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए एम और एन श्रेणी के मोटर वाहन यानी फोर व्हीलर के लिए फास्टैग अनिवार्य किया गया है। बता दें कि इसके अलावा राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी 1 अक्टूबर 2019 से फास्टैग चिपकाना अनिवार्य किया जा चुका है। यानी कुल मिला के 2021 से जो है फास्टैग अनिवार्य होगा सभी फोर व्हीलर के लिए। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC के तौर पर निम्न में से किसे शपथ ली, किसने शपथ लिया तो वो आपको बताना है। तो वो है
यशवर्धन कुमार सिन्हा, जिन्होंने 7 नवंबर को क्या मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में ये जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में सिन्हा को शपथ दिलाई और इस साल 26 अगस्त को विमल जुल्का का कार्यकाल पूरा होने के बाद 2 महीने से ज़्यादा समय से मुख्य जो सूचना आयुक्त का पद है वो खाली था। सिन्हा ने 1 जनवरी 2019 को सूचना आयुक्त का पद संभाला था। वे ब्रिटेन और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में सेवा दे चुके हैं। आगे देखेंगे स्टेटिस्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं, तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। या जो स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन है वो आपके हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और आने के जो है चांसेस फुल फुल रहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और आप हमें अपने फीडबैक जरूर देंगे कि आपको हमारे स्टेटिस्टिक्स के ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 16 वर्ष की आयु में क्रांची से अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की। तो किसने की थी, तो वो की थी सचिन तेंदुलकर ने। सचिन तेंदुलकर ने अपने जो टेस्ट करियर की शुरुआत है वो है 16 वर्ष की उम्र में क्रांची से की थी। उन्होंने नवंबर 1979 में पाकिस्तान के खिलाफ क्रांची में टेस्ट क्रिकेट में क्या पदार्पण किया था। उन्होंने इस मैच में रन हालांकि बहुत कम बनाए थे पर आगे वो फुल चमके। इनमें पहले टेस्ट में कितने रन बनाए, 15 रन। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी है, यानी पहले जो मैच में 15 रन बनाए और फिर उन्होंने जो है अच्छा कैरियर बनाया और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से वो एक हैं। अब 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले भी एकमात्र खिलाड़ी है। वह अब तक जो है अंतर्राष्ट्रीय में 100 शतक लगाने वाले एकमात्र विश्व के खिलाड़ी हैं। दो नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2019 यूनेस्को एशियाई पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए भारत को कितने स्थल चुने गए हैं। तो भारत के कितने स्थल हैं इसके लिए चुने गए हैं, तो वह 4 स्थल। कौन से स्थल चुने गए हैं, कितने स्थल के चुने गए, 4 स्थल। पुरस्कारों की घोषणा दो है कब की गई थी, ये की गई थी 14 अक्टूबर 2019 को मलेशिया के पेनांग में की गई थी। कब की गई थी ये, इनकी घोषणा 2019 14 अक्टूबर को मलेशिया के पेनांग में जो है इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी और इसमें भारत के 4 स्थल चुने गए थे। कितने, 4 स्थल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार 2011 में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा था। कौन सा जो है 2011 में सबसे अमीर मंदिर की श्रेणी में था गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार, तो है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। कौन सा, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो ये टेम्पल है जो है हिंदुओं का जो है खास टेम्पल और ये कहाँ पर स्थित है, ये केरला, केरल की कैपिटल राजधानी है तिरुवनंतपुरम में, ये वहां पे स्थित है। कहाँ पे है, केरला के तिरुवनंतपुरम में। दिस टेम्पल इज प्रिंसिपल डेटी ऑफ द टेम्पल, द प्रिंसिपल डेटी पद्मनंद स्वामी यानी विष्णु इज इनश्राइन्ड इन द अनाथ शयाना पोस्टियर द इंटरनल योगिक स्लीप ऑन द सेपरेट एडी नेसा अकॉर्डिंग टू जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड इट वॉज द रिचेस्ट टेम्पल इन 2011। और जो यहाँ के जो है तिरुपति बालाजी वो भी जो है रिच श्रेणियों के में जो है सबसे ऊपर रहते हैं, और ये जो है तिरुपति ये है आंध्रा में, आंध्र प्रदेश, लोकेट लॉर्ड विश्वनाथा फ्रॉम लॉर्ड विष्णु। फटाफट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत में रहने वाले भारतीय ऋषि मुनि किन के द्वारा 3री शताब्दी में कामसूत्र का मूल रूप से संलग्न किया गया था, तो है वात्सल्यायन का। कामसूत्र कामुको जीवन के सुख पर दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है, ये सबसे पुरानी पुस्तक है। यह मूल रूप से भारतीय सतंग वात्सल्यायन द्वारा 3री शताब्दी में संकलित की गई थी जो कि उत्तर भारत में रहते थे। वात्सल्यायन एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक का जो है ये नाम है, किनका नाम है, ये प्राचीन भारतीय दार्शनिक है, ये उनका वात्सल्य उनका नाम है। कंटिनेंटल पोर्ट्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का एकमात्र बंदरगाह जिसे विश्व के शीर्ष 30 बंदरगाहों में शामिल किया गया, तो किसे किया गया था, वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को।
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नहवा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट्स है। ये नेवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे ये? नवी मुंबई महाराष्ट्र में। ये बंदरगाह 26 मई 1989 को स्थापित किया गया था। कब इसकी स्थापना हुई थी? 26 मई 1989 को। खालिस्तान को प्यार से बा कहा जाता है, तो किसे जो है बा कहा जाता है प्यार से, तो वो कहा जाता है कस्तूरबा गांधी को। कस्तूरबा गांधी को जो है प्यार से बा कहा जाता है। वह महात्मा गांधी की पत्नी थी और दोनों का जन्म कब हुआ था? 1869 में। और उनका विवाह 14 वर्ष की आयु में गांधी जी के साथ 1883 के अंदर हुआ था। उनका विवाह कब हुआ था? 1883 के अंदर। रामचंद्र गुहा के उपन्यास गांधी बिफोर इंडिया में गांधी जी के साथ कस्तूरबा के संबंध को अच्छी तरह से क्या वर्णित किया गया है? कस्तूरबा को बा या माता के रूप में भी संदर्भित किया गया था, क्योंकि उन्होंने भारत में आश्रमों की माँ के स्वरूप में सेवा की थी। 14 वर्ष की आयु में पूना के आगा खान प्लेस में उनका क्या निधन हुआ था? उनका 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। और कहाँ हुआ था? आगा खान प्लेस, जो कि पूना में है। बायोकॉन नामक बायोटेक भारतीय कंपनी का संस्थापक कौन है? तो कौन है? वो है किरण मजुमदार शाह। कौन है? किरण मजुमदार शाह है, जो कि बायोकॉन नामक बायोटेक जो भारतीय कंपनी है उसके संस्थापक है। बायोकॉन लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी बायोफार्म्यूटिकल कंपनी है, जिसकी स्थापना 1978 के अंदर हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक के अंदर इसका मुख्यालय है। 1979 में यह यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में एंजाइमों के निर्माण और निर्यात करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। सुश्री किरण मजुमदार शाह है बायोकॉन की अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक है, और श्री जॉन शाह विदेशी प्रमोटर और संपूर्ण समय के निर्देशक उपाध्यक्ष हैं। कंपनी सामान्य सक्रिय दवा सामग्री बनाती है, जो दुनिया भर में 120 से अधिक देशों में क्या बेची जाती है, इनके द्वारा बनाई गई दवाइयाँ। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान गुजराती राजस्थानी की एक वस्त्र कला है, तो कौन सी है? वो है बंदनी। बंदनी जो है वो कला गुजरात और राजस्थान क्षेत्रों से हुई जुड़ी वस्त्र कला है। इसे बंदेज के नाम से भी जाना जाता है। यह एक टाई और डाई कपड़ा है। बंदनी की कला में कपड़े को रंगना शामिल है, जो अलग अलग पैटर्न बनाने के लिए कई स्थानों पर एक धागे को कसकर बांधा जाता है। यह कला बहुत प्राचीन कला है। यहाँ तक कि अजंता की गुफाओं में बंदेज को एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। ये आमतौर पर रेशम और सूती कपड़ों में किया जाता है। चंदेरी कला मध्य प्रदेश से संबंधित है। एकांत कला गुजरात से, उड़ीसा आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और पैठणी कला औरंगाबाद महाराष्ट्र से प्रसिद्ध है। ये जो कलाएं का कुछ राज्यों से संबंधित वो भी आपके साथ शेयर किए हैं। भारत में 11वें राष्ट्रपति रूप के रूप में किसे मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 के मध्य राष्ट्रपति के रूप में 11वें राष्ट्रपति के रूप में रहे। उन्होंने डीआरडीओ और इसरो में सेवाएं की, और नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास कार्यक्रमों में गहराई से काम किया। उन्होंने बलास्टिक मिसाइल और लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकी में विकास में भी कड़ी मेहनत की। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग के व्याख्यान देते समय उन्हें कार्डियक अटैक के बाद उनका निधन हो गया। उन्हें हार्ट अटैक आया था शिलांग के अंदर, तो उनके बाद उनका निधन हो गया 27 जुलाई 2015 को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल को उनकी याद में तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास पे करुम्बु में डीआरडीओ ने मनाया था। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2017 के अंदर किया था। अगला है लास्ट क्वेश्चन होगा स्टेटिस्टिक्स का। केरल के किस मंदिर का नाम अपना हाथी अभयारण्य है? तो किसका नाम है? वह है गुरुवय मंदिर का। केरल के गुरुवय मंदिर का अपना हाथी अभयारण्य है। गुरुवय श्री कृष्ण मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो हिंदू देवता गुरुवायरप्पन यानी हिंदू भगवान विष्णु के 4 सहस्त्र समदत्ता है को समर्पित है। यह केरल के गुरुवायूर शहर में स्थित है। हाथी अभयारण्य का नाम पुन्नाथुर कोटा है, यानी पुन्नाथुर किला। यह पूर्व में केरल के पुन्नाथुर राजा के स्वामित्व में महल की संपत्ति थी। इसे 1975 में गुरुवायूर मंदिर समिति द्वारा खरीदा गया था, और इसका उपयोग हाथियों के आवास के लिए किया जाता है।
1975 के बाद से यहाँ पर जो है हाथियों की आवाज़ के लिए इसे प्रयोग में लिया जाता है। और आगे देखें पिछली वीडियो के क्वेश्चन और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम। क्वेश्चन क्या था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के 50 साल की लिए किस एयरपोर्ट को अंडानी ग्रुप को लीज पर दिया गया था, तो किस को दिया गया था, वो दिया गया था लखनऊ हवाई अड्डे को, जो है अंडानी ग्रुप को 50 साल की लीज के लिए ठेके पर दिया गया है। और सही आज की मोटिवेशनल लाइन वो देखेंगे कि भाई के बिना रावण हार जाता है, भाई के साथ राम जीते, और समय कैसा भी हो भाई का साथ ना छोड़े। तो इसमें क्या आपको सीख मिलती है कि आप अपने भाई के साथ रहे, भाई के साथ है तो भाई के साथ राम जैसे जीते थे और जैसे रावण हारा था उसी प्रकार भाई का साथ कभी ना छोड़े। आगे देखें सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम। पिछली वीडियो के जो क्वेश्चन का था उनके जो सही आंसर दिए उनके नाम है, पहले स्थान पे ज्वाला गुप्ता, दूसरे पे विजेंद्र कुमार, तीसरे पे सुधांशु कुमार, आगे मुन्ना कुमार, तनु बिष्ट, केशवर सिंह, निशांत शर्मा, जयंत शर्मा, प्रकाश बावरी, निशि शर्मा, नेहा तंवर, दुर्योधन साय, सक्सेस सीओ चैनल, अनिल केवाट, श्रवण कुमार। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दें, और नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले हर नए करंट अफेयर स्टेटिस्टिक क्योंकि जो वीडियो उसकी आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।